guys, this is Arushi here. Welcome back to the channel. This is the final and the last episode of Maldives, where I'm going to be telling you how you can plan a trip to the Maldives within 50,000 per person. मतलब couple का हुआ 1 lakh. ये मैंने चीज़ खुद की है, because मैंने मेरे parents को Maldives भेजा है within 1 lakh, and that's why I've come up with this book and the pointers that I'm going to be sharing with you today. I hope this video will be a one-on-one guide on how to book your trip to Maldives within budget. Maldives actually आइलैंड है, मुस्लिम कंट्री है, विच इज़ लोकेटेड इन द इंडियन ओशन, और यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है. वीज़ा ऑन अराइवल, तो आप जैसे ही पहुँच जाते हो तो वहाँ पे एक स्टैम्प लग जाता है द इमिग्रेशन डेस्क, एंड यू आर डन, गुड टू गो. यहाँ का करेंसी एक्चुअली मालदीवियन रुपया है, बट वी नॉर्मली यूज़ USD, मतलब डॉलर्स यहाँ ऑल ओवर चल जाते हैं. मालदीव्स पहुँचने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ही चीज़ है, बिकॉज ये आइलैंड है, आपको फ्लाइट के अलावा और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है. तो उसके लिए आप रिटर्न टिकट अगर देखा जाए तो मालदीव्स का रिटर्न टिकट अराउंड 15K मिनिमम है, और मैक्स टू मैक्स जा सकता है आपको 18K. तो टिप नंबर 1 टू बुकिंग योर फ्लाइट्स टू मालदीव, कि आप इनकॉग्निटो मोड पे करना और स्काई स्कैनर पे ही करना. तो स्काई स्कैनर गिव्स यू द लिस्ट ऑफ चीपेस्ट फ्लाइट्स, एंड इनकॉग्निटो मोड सेव्स योर ऑलमोस्ट कन्वीनियंस फी. तो अभी आपको चूज करना है बिटवीन आप कहाँ पे रहना चाहते हो, एक पब्लिक आइलैंड पे या एक प्राइवेट आइलैंड पे. तो पब्लिक आइलैंड का ये एडवांटेज है कि आपके ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे बचेंगे. सेकेंडली, यू नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एक ही होटल का खाना, आप कहीं और जाके भी खा सकते हो. उसके बाद थर्ड इज, वहाँ के जो वाटर स्पोर्ट्स है पब्लिक आइलैंड पे वो भी बहुत सस्ता होता है. फोर्थ एडवांटेज ये है कि आप वाटर विला तो भी जा सकते हो, बस वाटर विला में रहना नहीं पड़ेगा. तो प्राइवेट आइलैंड की मैं एडवांटेजेस बताती हूँ. फर्स्टली, आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज इतने कम होते हैं लोग वो प्राइवेट आइलैंड पे. बीच आपकी ही होती है, बीच पे आपको हार्डली कभी कोई मिलेगा. द लास्ट थिंग विच आई फील प्राइवेट आइलैंड पे आप कर सकते हो बहुत ईजिली इज वेयर बिकिनीज, फॉर दिस इज फॉर गर्ल्स, जहाँ पे आपको जो पहनना है आप पहन सकते हो, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच. और अगर आपको वाटर विला पे रहना है, वाटर विला एक्सपीरियंस करना है, नॉट ओनली क्लिक फोटोज, तो फिर ऑब्वियसली आपको प्राइवेट आइलैंड ही लेना पड़ेगा. अभी मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताती हूँ. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द प्राइवेट आइलैंड होता है वो भी आपका पैसा बढ़ जाता है. मतलब प्राइवेट आइलैंड बुक करते हो तो आप एक पैकेज बुक करते हो, तो पैकेज में सारे रेस्टोरेंट्स कवर नहीं होते, तो आपको वो एक ही रेस्टोरेंट में खाना पड़ेगा. और अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा और आप दूसरे रेस्टोरेंट में ट्राई करो, फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस करने पड़ेंगे. तो वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू व्हाट पब्लिक आइलैंड चार्जेस यू. कंसिडर करियो कि आप मालदीव्स में हो, तो मालदीव्स में पहुंचने के बाद आपने जिस तरह के आइलैंड डिसाइड किए उसके हिसाब से आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डिफाइन होता है. अगर आप पब्लिक आइलैंड पे रह रहे हो तो आप गवर्नमेंट फेरी से आपके आइलैंड पे पहुंच सकते हो. सबसे बेस्ट पब्लिक आइलैंड ऑप्शन आपके लिए होगा इज माफूशी आइलैंड. आपने सुना होगा इस आइलैंड के बारे में, बिकॉज यहाँ की मार्केट्स बहुत सही है, यहाँ के स्टे ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी टू अदर थिंग्स इज बहुत ज़्यादा मोर कन्वीनियंट. माले एयरपोर्ट से आप माफूशी जा सकते हो सिर्फ $2 में, बट उसके लिए आपको गवर्नमेंट फेरी लेनी पड़ेगी. ये वेबसाइट है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट फेरी के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं. और अगर आप स्पीड बोट से जाना चाहते हो, स्पीड बोट का $50 पर पर्सन है. नोट डाउन कर लेना कि कुछ भी करके ऐसी फ्लाइट पकड़ना जिससे आप मालदीव्स का एयरपोर्ट टच करो मैक्स टू मैक्स 2 PM तक. 2 PM के बाद अगर आप पहुँचोगे तो आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट फेरी, सी प्लेन हो या आपका डोमेस्टिक एयरप्लेन, सारे ऑप्शंस धीरे धीरे कम होते जाएंगे. मैक्स क्या हो सकता है आपके साथ इज आपको डोमेस्टिक प्लेन मिल जाएगा, पर डोमेस्टिक प्लेन मिलेगा तो भी ऐसा होगा कि वो बहुत शाम में होगा. तो अब रात में अगर मालदीव्स पहुंचे तो आपको पूरा दिन चला ही गया. तो अभी आप अगर पब्लिक आइलैंड पर जा रहे हो तो आपके पास वो जो 2 ऑप्शन है डोमेस्टिक प्लेन का एज वेल एज सी प्लेन का, वो कैंसिल हो जाता है. नॉर्मली डोमेस्टिक और सी प्लेन उसी के लिए यूज होता है जिसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. तो जो प्राइवेट आइलैंड बहुत दूर दूर बनाए गए ना, उसके लिए हम नॉर्मली ये यूज करते हैं. और डोमेस्टिक प्लेन का ऑलमोस्ट $150 टू $180 तक आता है. और अगर आपने सी प्लेन लिया तो आपका $350 मिनिमम जाएगा. माफूशी आइलैंड जा रहे हो और एक पब्लिक आइलैंड में रह रहे हो, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ स्टेज दैट यू कैन ऑप्ट फॉर. जब हनीमून पे आए हो और आपको आपका स्टे बहुत ही लग्जूरियस चाहिए, तो मैक्स टू मैक्स आपको 5K पर नाइट स्पेंड करना होगा. तो फर्स्ट डे आई वुड रेकमेंड कुछ भी ना करो, ब्यूटिफुल सनसेट ऑफ मालदीव्स देखो. अब डे टू पे एक्सकर्शंस प्लान कर सकते हो. अभी डे टूअर्स या एक्सकर्शंस के लिए बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ से आप एक्सकर्शंस बुक कर सकते हो. एक्सकर्शन इज अ वे जहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर
सकते हो जो आप एक प्राइवेट आइलैंड पे रहते तो करते. फॉर एग्जांपल, यू कैन गो स्नॉर्कलिंग, यू कैन डू स्कूबा डाइविंग, यू कैन विजिट द सैंड बैंक्स, विजिट अ प्राइवेट आइलैंड, डे टूर कर सकते हो, वहाँ पे खाना खा सकते हो, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, वाटर विला में फोटोज निकाल सकते हो, डॉल्फिन सफारी कर सकते हो, डॉल्फिन क्रूज कर सकते हो, सनसेट क्रूज कर सकते हो. बहुत बहुत अलग वेबसाइट्स है वो एक्सकर्शन बुक करने, मैं मेंशन करूंगी वेबसाइट के नाम. डे थ्री पे आप वैसे ही एक्सकर्शन बुक करना. नॉर्मली प्राइवेट आइलैंड का जो टूर होता है, डे टूर, उसका होता है $120 पर पर्सन. उसमें आपका लंच भी इंक्लूडेड होगा, तो आप वो प्राइवेट आइलैंड पे लंच भी कर लिया, फोटोज भी खींच लिए, बस रात को वहां पे आप रह नहीं सकते. तो आई थिंक इट्स अ गुड डील, बिकॉज रात को रहने का मजा आप कंपनसेट कर सकते हो जितने पैसे बचा रहे हो उसमें. इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप पब्लिक आइलैंड से कोई भी एक्सकर्शन कर रहे हो, तो पब्लिक आइलैंड से आप एयरपोर्ट पे जाना गवर्नमेंट फेरी $2 से, तो गवर्नमेंट और जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आपका पिकअप और ड्रॉप रखना, तो उससे आपका पैसे भी बच जाएंगे. तो आपका डे थ्री का आइटनरी भी सेट है, आप पूरा प्राइवेट आइलैंड घूम के आए. डे फोर को आप क्या कर सकते हो, जो आपके पब्लिक आइलैंड है वही पब्लिक आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हो. आप मार्केट जा सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट कुजींस ट्राई कर सकते हो और बीच पे चिल कर सकते हो. तो अगर आपको प्राइवेट आइलैंड बुक करना है, तो प्राइवेट आइलैंड में दीज आर द 9 आइलैंड्स जहाँ पे चीपेस्ट वाटर विलास एंड चीपेस्ट बीच विलास मिलेंगे, एंड दिस कैन गिव यू द एक्सपीरियंस दैट यू आर वांटिंग ऑफ अ प्राइवेट आइलैंड. अब द बेस्ट सीजन टू विजिट मालदीव्स इज नवंबर टू मे. मे एक्चुअली अप्रैल टू मे के बीच में भी थोड़ा समर टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो मे के बाद आप कभी भी बुक करोगे टिल अक्टूबर, आपको एग्जैक्टली स्लैश मिलेंगे प्राइजेस के, क्योंकि ह्यूमिड वेदर है ना. प्राइस हाई बहुत ज्यादा हो जाती है न्यू ईयर्स के टाइम और क्रिसमस के टाइम, तो तभी बिल्कुल भी बुक मत करना. तो मालदीव्स में एक सिंपल छोटा सा पॉलिसी है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज आप पहले बुक करते हो, 30, 60 और 90 डेज पहले अगर आपने बुक किया, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज भी इंक्रीज होता जाता है. पर अगर आपको सीजन के टाइम अगर ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ चाहिए, 4 मंथ्स प्रायर आपका मालदीव्स का स्टे बुक कर लेना. तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है एक्सपेंसेस का अगर आप पब्लिक आइलैंड पर रह रहे हो. प्राइवेट आइलैंड पे हो या पब्लिक आइलैंड पे, मालदीव से वापस जाते हुए या आते हुए डू नॉट कैरी अल्कोहल. छोटी सी भी अल्कोहल की बॉटल आपके पास रहेगी, यू विल बी बिहाइंड द बस. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, कोई भी चीज भूल गई तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल डायरेक्टली प्रोवाइड दैट टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. बहुत मेहनत लग रही है टू ब्रिंग ऑल दिस ऑन अ प्लैटर टू यू. दिस वॉज मालदीव्स एंड आई एम एंडिंग दिस सीरीज विद दिस वीडियो.